ऐसे आदमी को यहां का उम्मीदवार बनाया गया है जो ये कहता है कि हल्के असेंबली के नामपल्ली के मुसलमान तालिबानी माइंडसेट के हैं। यानी यहां के नामपल्ली के जो मुस्लिम अकलियत के लोग हैं तालिबानी माइंडसेट के हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। क्या यही कहा था ना? क्या कहा था उसने? हाँ, फेनेटिक है। अब फेनेटिक के माने क्या है? पागल किस्म के लोग हैं, फेनेटिक है। यहां के पूरे नामपल्ली के बसने वाले मुसलमान फेनेटिक है। अरे भाई साहब, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप हार गए, चार चार मरतबा बाबा हार गए, तुम यहां का नामपल्ली का मुसलमान फेनेटिक है? अरे फेनेटिक की स्पेलिंग तू बोल नहीं सकता, एफ के क्या ना बोलेगा तू, मगर फेनेटिक है, फेनेटिक बोल दिया, माने बेइज्जती कर रहा है नामपल्ली के गयूर अवाम की। बोलो कांग्रेस वालों, क्या तुम वोट मांगने आओगे हमारे गली कूचों में? तुम फेनेटिक के घर पे जाके वोट मांगोगे? ये आपको तय करना है। हाँ, हम में दीवानगी जरूर है, हम में जरूर दीवानगी है। किस लिए है? कि हम जालिम को बर्दाश्त नहीं करते, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, हम गरीबों का हक छीनने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। आज इसीलिए नामपल्ली के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को ये फेनेटिक कहता है। अब इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को ये फेनेटिक जो कहा गया, अब तुमको पता चलेगा मैजिक क्या होती है, तुमको पता चलेगा 30 तारीख को मैजिक क्या होती है। मगर ये इल्जाम, एक झूठा इल्जाम नामपल्ली की आवाम पर कांग्रेस ने आयत किया है। हार रहे तो बोलो इनको फेनेटिक है, तुम हार रहे तो फेनेटिक है, ये इनकी सोच है।